के साथ स्पेशली सेलिब्रेट किया? जी वो मतलब जी सच बताऊँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अभी मतलब जैसे मैंने कहा कि 10 साल अभी इंडिया में रह कर हो चुका है मेरा, और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे एक ऐसा मौका मिलेगा कि मैं आप सब लोगों के साथ मतलब मीडिया वाले लोगों के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करूँगी। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अपना चाइल्डहुड ड्रीम के लिए आई हूँ जो बॉलीवुड है, और मैं आई हूँ और आप सब लोगों ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा तरीके से मतलब रह गए। मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिला है आप लोगों से, तो मुझे अच्छा लगता है कि इस स्पेशल दिन में मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो एक्चुअली कि मुझे ये मौका मिला है वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सीधा बोला कि जी मैं ज़रूर आऊँगी और मैं ये करूँगी आप लोगों के साथ। मीनाक्षी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि दैट इट फील्स रियली प्राउड टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री इंडिया। दुनिया में कहीं भी जाओ हमें एक अलग सी इम्पोर्टेंस, एक अलग सी रिस्पेक्ट और एक अलग सी जगह मिलती है हमारे रिच कल्चर की वजह से, हमारे अपब्रिंगिंग्स की वजह से, हमारे अचीवमेंट्स की वजह से। सो आई थिंक इंडिया हर जगह धूम मचा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल लाइक एली, यू नो, दे आर सो इन लव विद दिस कंट्री, इट फील्स ऑल द मोर प्राउड। प्लस हम लोग बचपन में ना स्कूल में ऐसे सेलिब्रेट करते थे, ध्वजारोहण, फिर लड्डू, कोई माइक पे बात कर रहा है हम सुन रहे हैं। सो इट जस्ट फील्स सो लवली मुझे आज आप सबके साथ, आप लोग सब सुबह सुबह हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर हैं इंडिपेंडेंस डे हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई थिंक इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। सो जस्ट फील्स ग्रेट ऑन दिस ड्रिजलिंग डे, एंजॉइंग दिस लवली डे विद एली एंड ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट टू रितेश फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंस डे हर साल हम कुछ नया करते हैं, तो इस साल आप क्या नया देखना चाहते हो? आप लोग अगर उस बारे में कुछ बताएं, या फिर हमारे देश के लिए कोई अगर रेजोल्यूशन लेना चाहे आप लोग।